उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लेकिन इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थी। लेकिन ये थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए बुड में लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक ना सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। भाई अब इसमें से कौन सी नई गाड़ी लेगा, लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया उसे आवाज आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी, लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक बहुत सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए, मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं, तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती। इससे पहले की बात आगे बढ़ती उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मिन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं, यास्मिन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। यास्मिन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं, यास्मिन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो, यास्मिन ने लकी की बात को ही दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है, यास्मिन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहाँ आ रहा था
इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूं कि आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं मेरे पास, लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी कि यह लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी तक जा सकती थी, और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे अब ये कहां चला गया, उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था, इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहां बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। अरे ये कहां छिपा हुआ था, यास्मीन ने अपने आप से ही कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस के बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सबके करोड़ों रुपए इस बैंक के खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की ये चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसकी इतनी जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था, और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा, यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा, और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है, बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी, उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप, उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए ये शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी, लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम, क्या चाहिए तुम्हें, उस
मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा, मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। लकी ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, नहीं मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। लकी ने कहा, तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते, चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो। मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया, नहीं मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहाँ से। लकी भी जिद पर अड़ गया, अरे बोला ना बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा, अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर। लकी ने कहा, देख फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वो उसे धक्का मार कर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट! उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। ये कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूँ सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। दो तीन ड्रॉर में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहां पर अपना अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। दो सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती चल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इन मुसीबत